रक्षाबंधन पर्व को लेकर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आनंद सरोवर में पत्रकार बंधुओं का स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु शामिल हुए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आनंद सरोवर में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं के लिए रक्षाबंधन व स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 30 की संख्या में पत्रकारगण उपस्थित हुए। इस दौरान ब्रह्म कुमारी रीटा बहन, ब्रह्म कुमारी सिदुर्ग व ब्रह्म कुमारी चैतन्य प्रभा ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी रीटा बहन ने परमात्मा के इस कार्य को समग्र विश्व में प्रत्यक्ष करने में अपना अमूल्य सहयोग देने वाले सभी पत्रकार बंधुओं के प्रति आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि आप सबके निस्वार्थ सहयोग से परमात्मा का ये संदेश दिन प्रतिदिन अनेक मनुष्य आत्माओं तक पहुंच रहा है, जिसके लिए हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथ ही ब्रह्म कुमारी चैतन्य प्रभा बहन ने रक्षाबंधन के यथार्थ रहस्य को बताया। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को रीटा बहन ने परमात्मा का रक्षा सूत्र बांधा व ईश्वरीय वरदान का प्रसाद प्रदान किया। दुर्ग प्रेस क्लब के द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा रीटा बहन व चैतन्य प्रभा बहन का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम के समापन में सभी को चैतन्य प्रभा बहन ने राजयोग अनुभूति कराई। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। विशेष रक्षाबंधन के पर्व पर हम पूरे मीडिया जगत से जुड़े हुए सभी पत्रकार भाइयों को बुलाए थे, जिनको रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया। तो वास्तव में रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य ही कि जो सर्वोच्च रक्षक परमात्मा है, वो हम आत्माओं को पवित्रता का रक्षाबंधन बांधकर 5 विकारों रूपी दुश्मन से बचाते। तो चूंकि भाई बहन का संबंध पवित्रता का है, तो इसलिए बहनें भाइयों को राखी बांधती, पर वास्तव में रक्षा करने वाला जो सर्वोच्च रक्षक है वो परम पिता परमात्मा ही है। और वो कैसे रक्षा करते हैं? हमारे जीवन में पवित्रता अर्थात नियम को अपनाकर। तो इसीलिए फिर शास्त्रों में गायन है कि बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई बहन की रक्षा करने का वचन लेता है। पर वास्तव में आज के तारतम्य में रक्षक सर्वोच्च एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। ये कितने सालों से मनाया जाता है? सालों से रक्षाबंधन ब्रह्मा कुमारी जब से शुरू हुई है तब से मनाया जा रही। दुर्ग में भी लगभग 10,000 लोगों को हम प्रतिवर्ष राखी बांधते, जेल के कैदियों को, वृद्धाश्रम, बाल संप्रेक्षण संस्था से जुड़े हुए 4,000-5,000 भाई बहन, पत्रकार बंधु, शहर के सारे VIPs के पास परसों जाएंगे। डॉक्टर हैं, कलेक्टर साहब हैं, SP साहब, ऐसे कुल 10,000 लोगों को हर साल हम राखी बांधते हैं। हमारा नाम ब्रह्मा कुमारी रीटा बहन, संचालिका दुर्ग ब्रह्मा कुमारी। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।